आज हम ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़े हुए कुछ डिबेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अलग अलग थिंकर्स जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं। एक थिंकर हम ऐसा डिस्कस करेंगे जो ग्लोबलाइजेशन का साथ देता है, जो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में है, और एक थिंकर हम ऐसा पढ़ेंगे जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देता है। तो इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, ग्लोबलाइजेशन इश्यूज एंड डिबेट्स। और हम किसके इश्यूज और डिबेट्स देखेंगे, एक तो कवर करेंगे हम जगदीश भगवती और दूसरा हम कवर करेंगे जोसेफ ईस्टिग्लिश को। मतलब कि हम जगदीश भगवती के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे और जोसेफ ईस्टिग्लिश के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। हम देखेंगे कि ये दोनों थिंकर्स ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं, और इनमें से एक थिंकर जो है वो ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा, और एक थिंकर जो है वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोलेगा या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देगा। जब हम किसी भी एक चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा ग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमिना आया, ग्लोबलाइजेशन इमर्ज होके आया हमारे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ नुकसान भी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं वो हम पढ़ेंगे, और ग्लोबलाइजेशन के क्या नुकसान हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने से नहीं देखेंगे ये फ़ायदे और नुकसान, बल्कि जो थिंकर्स ने कहा है प्रॉपर रिसर्च के बाद उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जगदीश भगवती की बात करेंगे, मतलब कि हम जगदीश भगवती के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। जब मैं जगदीश भगवती की बात करता हूँ तो वो एक इंडियन ओरिजिन US इकोनॉमिस्ट थे, और बहुत ही फेमस और पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं वो। मतलब वो इंडियन ओरिजिन के हैं, हो सकता है उनके पिताजी या उनकी माताजी या फिर उनके दादा परदादा जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हों, लेकिन वो अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ पे इकोनॉमिस्ट बनते हैं। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन हिंदुस्तान के ओरिजिन के थे। तो जगदीश भगवती ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2004 में। जगदीश भगवती ने अपनी एक किताब लिखी 2004 में जिसका नाम था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके अंदर वो सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिना को। मतलब कि जगदीश भगवती जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम जगदीश भगवती को ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करते हुए देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ग्लोबलाइजेशन की सपोर्ट में। और इसीलिए वो एक अपनी किताब लिखते हैं जिसका नाम है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इस किताब के अंदर जो है वो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड हुआ है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि अभी ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कि हिंदुस्तान से बाहर के देशों के अंदर सामान जा सकता है, बाहर के देशों से हिंदुस्तान के अंदर सामान आ सकता है, अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है। अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पता नहीं है तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान से बाहर के देशों में सामान जा रहा है, जैसे यहाँ से मसाले जाते हैं, लोहा जाता है, रिफाइंड ऑयल जाता है। और इंपोर्ट का मतलब हो गया जैसे हम रशिया से, यूनाइटेड स्टेट से अलग अलग चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान के अंदर मंगवाते हैं, तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री ट्रेड हो गया है। पहले क्या होता था, अगर हिंदुस्तान के अंदर बाहर से कोई सामान लाना होता था तो उसके ऊपर सरकार बहुत सारे टैक्सेस लगा देती थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऐसी थी जिससे बाहर से हिंदुस्तान के अंदर इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल सा था। और अगर हिंदुस्तान से भी बाहर के देशों के अंदर कोई सामान जाता तो उसके ऊपर भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती थी, वो भी उसके ऊपर भी कई सारे टैक्सेस और टैरिफ्स लगे होते थे। तो उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ट्रेड को फ्री कर दिया, मतलब कि अब आराम से कोई भी देश अपने यहाँ से सामान बाहर भेज सकता है, बाहर से यहाँ सामान आ सकता है, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर है भी तो बहुत थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस चीज़ की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि फ्री ट्रेड से फ़ायदा हुआ है सारे देशों का। कैसे, डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी फायदा हुआ है। किस तरह से हुआ है कि वो वहाँ से जो है सामान बेच रहे हैं अलग अलग देशों के अंदर, वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अलग अलग देशों के अंदर जो है बेच रहे हैं, उससे उनका भी फायदा हो रहा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको क्वालिटी या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, राइट,
पहले उनको सस्ता माल मिल रहा है, तो इस चीज़ से जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ भी बाहर के देशों के अंदर बेच सकती हैं, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी, उसके बाद वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी इसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ग्लोबलाइजेशन को इसलिए भी सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनेबल किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बाहर के देश आपके देश के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं, या मान लो अमेरिका किसी देश के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। मान लो हम जो हैं हिंदुस्तान के लोग जो हैं, इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया एक देश जब दूसरे देश के अंदर इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे अपना इंडस्ट्रीज़ को सेट किया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सेट किया जाता है, तो वो कहते हैं कि उसकी वजह से भी मैं इस फिनोमेना को सपोर्ट कर रहा हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, जब हिंदुस्तान किसी दूसरे देश के अंदर अपनी कंपनी सेट करेगा, मान लो हिंदुस्तान के अंदर मसाले बड़े अच्छे होते हैं, मान लो हिंदुस्तान का अचार बड़ा फेमस है, तो अगर हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान जो है किसी दूसरे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी कंपनी खोल देगा तो क्या होगा, वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर ग्रोथ आएगी। तो वो इसी तरह से बात करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ है, अलग अलग देश जो है वो एक दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं अपनी कंपनी सेट कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। इसमें दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है, जिस देश ने इन्वेस्ट किया है उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, और जिस देश के अंदर इन्वेस्ट किया है, मान लो हिंदुस्तान ने अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया है, अपनी कंपनी सेट की है, तो पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान को अमेरिका से प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पर हम ह्यूज रेवेन्यू को इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका को क्या फ़ायदा है वहाँ पे, अमेरिका के अंदर कंपनी अगर सेट की गई है तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को क्वालिटीज़ मिल रही हैं, गुड्स मिल रही हैं, राइट। तो ये चीज़ें, इस चीज़ का फ़ायदा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो इस चीज़ की जगदीश भगवती बात कर रही हैं। उसके बाद सेकेंड वो इसके अंदर कहते हैं, सिस्टमेटिकली रिफ्यूटेड द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के जो अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स थे ना, उसको सिस्टमेटिकली रिफ्यूट कर दिया। जो लोग भी ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने सिस्टमेटिकली उनके आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूज़ किया। मतलब कि अगर किसी थिंकर ने ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोला है, या फिर जो भी लोग आर्ग्यूमेंट्स देते थे ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, तो जगदीश भगवती ने उन आर्ग्यूमेंट्स को जो है टैकल किया और उनको रिफ्यूज़ किया अपने आर्ग्यूमेंट्स देके। तो इससे क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं आपको ग्लोबलाइजेशन की बात बताऊं, तो हम जगदीश भगवती को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जगदीश भगवती जो है वो ग्लोबलाइजेशन की सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बिल्कुल सही ही है। ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ भी तो कुछ लोग हैं, तो जो लोग खिलाफ थे ग्लोबलाइजेशन के, उनके खिलाफ हैं जगदीश भगवती, उनके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जो भी चीज़ें कह रहे हो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, वो बिल्कुल सच नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आता है, पुट रैशनल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के फेवर में बहुत सारे रैशनल आर्ग्यूमेंट्स वो देते हैं, वो बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्यों सही है, क्यों ठीक है ग्लोबलाइजेशन। वो कहते हैं कि सबसे पहले इसने पावर्टी को ख़त्म किया है, गरीबी को ख़त्म किया है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है गरीब देशों के अंदर, डेवलपिंग देशों के अंदर, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। कैसे, वो कहते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन होगी तो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज़ आती हैं जो कि गरीब देशों के अंदर अपने कंपनीज़ को सेटअप करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उन देशों के अंदर, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। मान लो हिंदुस्तान एक गरीब देश है, अमेरिका की एक बड़ी कंपनी आती है हिंदुस्तान के अंदर, जो है वो कंपनी सेटअप हो जाती है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगी या जो भी काम करेगी, तो उसके लिए लेबर लगेगी, तो लेबर कहाँ से आएगी, हिंदुस्तान के लोग होंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसके बाद क्या होगा, हिंदुस्तान के लोगों के को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, राइट, सस्ता माल मिल जाएगा, क्वालिटी मिलेगी, तो इस चीज़ से क्या होता है, पॉवर्टी ख़त्म होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो गरीब देश हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी बाहर के देशों के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकें, बाहर के देशों से लोन हासिल कर सकें, और अपनी इकोनॉमी के अंदर उस लोन के थ्रू वहाँ पे डेवलपमेंट करें। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान एक गरीब देश है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हमारे पास ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास IMF है,
हिंदुस्तान क्या करेगा, बाहर के जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से लोन लेगा, लोन लेके हिंदुस्तान के अंदर कंपनी सेटअप की जाएंगी, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और उससे पावर्टी खत्म होगी। जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली गरीबी खत्म होगी और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन का, और इसके लिए वो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, मतलब कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो कि रीजन के बेसिस के ऊपर दिए हों, जिनको फैक्ट के साथ प्रूव किया हो। तो इस चीज की जगदीश भगवती यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज के अंदर आता है कि ग्लोबलाइजेशन से कुछ सोशल इवल्स बढ़ी थी, मतलब कि समाज के अंदर कुछ बुराइयां आ गई थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे कि वुमेन्स का सब्जुगेशन, मतलब कि वुमेन्स को इन्फीरियर समझा जाता था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वुमेन्स की वो बिल्कुल डाउन हो गई थी, वुमेन्स के पास इकोनॉमिक कंडीशंस वुमेन्स की अच्छी नहीं थी, समाज के अंदर वुमेन्स का स्टेटस जो है वो डिग्रेड है। और उसके बाद चाइल्ड लेबर बढ़ी है, मतलब कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन से बड़ी बड़ी कंपनीज लगती हैं तो उससे बच्चों को भी मजदूरी पर रखा जाता है। तो ये जो सोशल इवल्स थी जैसे सब्जुगेशन ऑफ वुमेन और चाइल्ड लेबर, इसके ऊपर क्या कहना था जगदीश भगवती का? तो जगदीश भगवती ने क्या किया, पार्शली एक्सेप्टेड दीस क्लेम्स एंड पार्शली रिजेक्टेड दीस आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ बुराइयां थी भी, ऐसा हुआ भी है। ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन से सोशल इवल्स बढ़ी है, समाज के अंदर बुराइयां बढ़ी है, जैसे कि सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, जैसे कि चाइल्ड लेबर। जगदीश भगवती ने इसका जवाब देते हुए इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ बड़ी है, और इसको रिजेक्ट भी कर दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हाँ बड़ी भी है, और उसके बाद उन्होंने पार्शली उसको रिजेक्ट भी किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया। उसके बाद इसके अंदर आता है ग्लोबलाइजेशन लेड टू जनरल प्रॉस्पेरिटी इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जगदीश भगवती कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से जो है वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है उनकी जनरल प्रॉस्पेरिटी को इसने लीड किया है, मतलब कि इन देशों का भला ही हुआ है इससे, मतलब कि इन देशों के अंदर जो है वो ग्लोबलाइजेशन ने फायदा ही पहुंचाया है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे फायदा पहुंचाया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनीज इस्टेब्लिश होती हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, यहाँ पे इनको लोन्स मिलते हैं, इसके बाद इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, यहाँ पे कंपनीज के थ्रू पावर्टी की एलिवेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो वो सब रीजंस वो बताते हैं कि क्यों जनरल प्रॉस्पेरिटी हुई है इन देशों की। उसके बाद वो ग्लोबलाइजेशन से कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने स्पाइसी हाइब्रिड ऑफ कल्चर्स को जन्म दिया है, मतलब ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया है, बहुत सारे कल्चर आपस में मिक्सअप हो गए हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो प्योरली हिंदुस्तान का कल्चर रह गया है, आप कभी नहीं कह सकते। आप हमेशा देखना किसी ना किसी कल्चर के अंदर किसी दूसरे कल्चर के जो गुण है ना वो मिक्सअप हो गए हैं। भाषा की बात कर लीजिए तो हिंदी भाषा के अंदर भी कई सारी अलग अलग भाषाओं के शब्द आ चुके हैं। आप अगर बंगाली कल्चर की बात कर लीजिए, डोगरा कल्चर की बात कर लीजिए, भद्रवाही कल्चर की बात कर लीजिए, तो हमारे कल्चर के अंदर भी अलग अलग चीज़ें इनकलकेट हो गई हैं आके, मतलब हमारा कल्चर अब हमारा ही नहीं रहा है, बाहर के कल्चर की कुछ चीज़ें भी उसके अंदर हैं। तो एक स्पाइसी हाइब्रिड बनता है कल्चर्स का, मतलब ग्लोबलाइजेशन से जब सारे कल्चर मिक्सअप हो जाते हैं ना तो एक हाइब्रिड बन जाता है कल्चर्स का। उसके बाद वो ग्लोबलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सोल्यूशन है प्रॉब्लम का ना कि प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से देशों का भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा इससे, मतलब ग्लोबलाइजेशन एक समाधान है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी गरीब देश को गरीब देश से उठकर अमीर बनना है तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन उसके लिए सल्यूशन है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जगदीश भगवती अपनी किताब में, जिसका नाम था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि 2004 में पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर वो बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देखेंगे दूसरे थिंकर के। तो अब हम इसके अंदर बात कर रहे हैं जोसेफ ई स्टिग्लिज के बारे में। हम देखेंगे कि जोसेफ ई स्टिग्लिज क्या बात करते हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जोसेफ ई स्टिग्लिज जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जोसेफ ई स्टिग्लिज जो है वो यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं। एक जोसेफ ई स्टिग्लिज ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, और उसके अंदर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो जोसेफ ई स्टिग्लिज अपनी इस किताब के अंदर क्या बात कर रहे हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उसको समझने के लिए हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जो फ्लॉड पॉलिसीज हैं वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की,
दे हैव बीन प्रूव्ड फेलियर ऑफ मैनी अंडर डेवलप्ड आर डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके इकोनॉमिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो अलग अलग ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग देशों को लोन देते हैं नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी देश को लोन चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगा, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, जब बाकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान, इंडिया, हमारे पास 1990 में सारे पैसे खत्म हो गए थे, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, तो हम लोन मांगने कहाँ पे गए, हम गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास या बाकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के पास। तो वो कहते हैं कि अलग अलग देश जब इन इंस्टीट्यूशंस से लोन मांगते हैं तो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ ऐसी फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं, ऐसी ख़राब पॉलिसीज़ हैं जिससे गरीब देश जो है और गरीब हो जाते हैं, गरीब देश जो है उनकी और एक्सप्लॉयटेशन होती है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो है और एक्सप्लॉयटेशन होती है। किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हिंदुस्तान 1990 में लोन मांगने गया IMF के पास या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के पास, उन्होंने हमें लोन तो दिया लेकिन कुछ पॉलिसीज़ रख दी। वो पॉलिसीज़ क्या थी कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा, तुम्हें यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करनी होगी, तुम्हें यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन करनी होगी, और तुम्हें जो है लिबरलाइजेशन करनी होगी, मतलब कि जो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ख़त्म करनी होगी। तो हमें एक उन्होंने पॉलिसी दी जिसका नाम था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। उसके तहत हमें 1991 के LPG रिफॉर्म्स लाने थे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं बच रहा था, तो हमने इन पॉलिसीज़ को जो है एक्सेप्ट करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली पैसे चाहिए थे। तो ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जब किसी गरीब देश को लोन देते हैं तो उसके सामने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रख देते हैं जो कि बड़ी ख़राब पॉलिसीज़ होती हैं, और उससे क्या होता है, जो गरीब देश हैं उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसे चाहिए, और जब वो उनको मानते हैं तो उससे उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। कि अगर गरीब देश कहीं पे लोन मांगने जाएगा ना फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, तो वो गरीब देश से पहले कहेंगे, उस अंडर डेवलप्ड कंट्री से कहेंगे कि तुम अपनी इकॉनमी को ओपन कर दो। जब इकॉनमी को ओपन किया जाएगा तो बाहर से कंपनीज आएंगी, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी आके, और जब वो फैक्ट्रीज लगाएंगी वहाँ पे अपनी कंपनीज लगाएंगी आके बाहर के देश, उन गरीब देशों के अंदर, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वहाँ के सारे रिसोर्सेज को लूट लिया जाएगा, और वहाँ की सारी वेल्थ भी लूट ली जाएगी। तो इस तरीके से इनको जो है एक्सप्लॉयट किया जाता है, इन देशों को एक्सप्लॉयट किया जाता है। इन देशों के पास कोई चारा नहीं बचता है कि वो इन पॉलिसीज़ को ना माने। क्या होता है, इन देशों के पास ये इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये बाहर के अमीर देशों के साथ कंपीट कर सकें या उनके साथ कंपटीशन कर सकें। तो क्या होता है, बाहर के देश यहाँ से सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इनके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं और इनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बुरे तरीके से। और बाद में क्या होता है, ये देश जो हैं अपना लोन चुका ही नहीं पाते हैं, बिकॉज इनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो बाद में लोन कहाँ से चुकाएंगे। और जब ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो इनकी और एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसके बदले में जो अमीर देश होते हैं वो इनके देशों के अंदर और ज़्यादा वेल्थ एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको हड़प लेते हैं, इनके इकोनॉमिक कंडीशंस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिससे इनकी जो है और एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये और गरीब बनते जाते हैं। जो IMF और वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो हमारे पास लोन के वर्ल्ड के लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी मुट्ठी में लिए हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा अमीर देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन है, राइट, फ्रांस है, तो ये जो अमीर देश हैं इनके पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं, तो यही लोग जो है ज़्यादा पैसे डोनेट करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में, और वही पैसा जो है गरीब देशों को लोन के तौर पे दिया जाता है। तो पैसा किसका है, मेन अमीर देशों का है, और अमीर देशों का जब पैसा है तो कंट्रोल किसका होगा फिर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, अमीर देशों का ही होगा, उनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होगी, वोटिंग परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा होगी उनकी। तो उससे क्या करते हैं, ये अमीर देश और अमीर बनते जाते हैं गरीब देशों को एक्सप्लॉयट करके। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की, इसकी वजह से डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का बड़ा नुकसान हुआ है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है और गरीब बनती गई हैं, उनके फेलियर के पीछे इसका बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद वो कहते हैं, वो अर्ज करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को एंड डेवलप्ड कंट्रीज को टू मेक द फिनोमेन ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर ह्यूमेन। वो कहते हैं, यार तुम इस ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना को
थोड़ा सा और एक इंसानियत के तरीके से इम्प्लीमेंट करो। वो कहते हैं कि तुम जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करके गरीब देशों का, थोड़ा सा इंसानियत का ख्याल करो। वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं IMF की, ये इंस्टीट्यूशंस की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करो ताकि जो गरीब देश हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अंदर गरीब देशों को एक्सप्लॉयट ना किया जाए, वो सब पॉलिसीज़ इसके अंदर ना लाई जाएँ जिसके थ्रू तुम गरीब देशों को और एक्सप्लॉयट करते हो। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है सारे देशों की वेलफेयर देखी जाए, दो चार देशों को अमीर बनाने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल नहीं किया जाए बल्कि सारे देशों का भला हो, ऐसी पॉलिसीज़ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाई जाएं। डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ की वो बात करते हैं। उसके बाद इसके अंदर वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी इक्वल बेनिफिशियल फॉर ऑल। वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन अगर आई है, ग्लोबलाइजेशन का अगर फिनोमेना चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो सभी के लिए वो एक समान होना चाहिए, इक्वली बेनिफिशियल होना चाहिए सभी के लिए, राइट। गरीब देशों का भी उसमें फ़ायदा होना चाहिए, तो गरीब देशों का इसमें फ़ायदा क्यों नहीं है, वो इस चीज़ की बात करते हैं। उसके बाद वो क्रिटिसाइज करते हैं नियो लिबरल फोर्सेस का। नियो लिबरल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? नियो लिबरल वो आइडियोलॉजी है, वो फोर्स है कि स्टेट का बड़ा कम रोल होना चाहिए इकोनॉमिक स्फीयर्स के अंदर, इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, और ये स्टेट को वापस जाने को बोलती है। ये स्टेट को बोलती है कि तुम वेलफेयर वगैरह की चिंता मत करो, तुम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की चिंता मत करो। मैं अगर दोबारा अपने शब्दों को दोहराऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, नियो लिबरल फोर्सेस को जोसेफ ईस्टिग्लिच क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्यों करते हैं? नियो लिबरल फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस, वो आइडियोलॉजीज, वो लोग जो स्टेट को कहते हैं कि तुम्हें इंडिविजुअल की लाइफ में, इंसान की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, तुम्हें बिजनेस के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करना है, किसी के ऊपर ना तुम्हें टैक्सेस लगाने हैं, ना तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ना तुम्हें कोई वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, तुम्हें कुछ लेना देना है ही नहीं इंडिविजुअल की इकोनॉमिक लाइफ के साथ। इंसान के अंदर अगर हिम्मत है तो वो कमाए, जितना मर्जी अमीर बने, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जो गरीब है तो वो अपनी वजह से गरीब है, उसको मरने दो अगर कोई जो गरीब है तो इस चीज़ की बात करते हैं नियो लिबरल फोर्सेस। तो जोसेफ ईस्टिग्लिच जो है वो इन नियो लिबरल फोर्सेस को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि एक स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, स्टेट को जो है वो इंडिविजुअल के बारे में सोचना है। ये जो अमीर देश है ये यूं ही नहीं अमीर हो गए हैं, इनका अमीर होने के पीछे इनका ज़्यादा अपना भी इसमें कोई रोल नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इनकी अपनी, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये अमीर हो गए। तो जो गरीब लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी वेलफेयर फोर्सेस होनी चाहिए। तो इस चीज़ की जोसेफ ईस्टिग्लिच बात करते हैं। उसके बाद जोसेफ ईस्टिग्लिच इसके अंदर बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अगर किसी देश को सही साबित होगा या गलत साबित होगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जोसेफ ईस्टिग्लिच कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसी देश को एक फेलियर साबित होगा या एक देश के लिए एक वरदान साबित होगा, ये डिपेंड करता है उस देश के इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि वो देश किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिना को ऑर्गेनाइज करता है। सिंपली मैं कहूँ तो ग्लोबलाइजेशन किसी देश के लिए वरदान साबित हो सकता है, किसी देश के लिए जो है वो फेलियर साबित हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन कुछ देशों के लिए जो है वो सूटेड है, उन देशों के लिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो अच्छा काम कर रहा है, कुछ देशों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं तो अमेरिका जैसे देशों के लिए, अमीर देशों के लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छे तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो गरीब देशों को एक्सप्लॉयट करके खुद अमीर बनते जा रहे हैं, तो उनका फ़ायदा हो रहा है उसमें, लेकिन गरीब देशों का फ़ायदा हो रहा है उसमें? नहीं हो रहा है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये निर्भर करता है कि ग्लोबलाइजेशन किस सिस्टम को जो है वो बेटर साबित होगा और किस सिस्टम को जो है वो फेलियर साबित होगा। मतलब कि ये डिपेंड करता है देशों के ऊपर, देशों के इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर कि किस तरह से वो उसको मैनेज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो इस चीज़ की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि देश के हिसाब से, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे कैसा काम करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि जितने भी ये सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनको ख़त्म करने की वो बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गरीब देशों को एक्सप्लॉयट करते हैं, इनकी फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस को तुम हटा दो। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें इन इंस्टीट्यूशंस को हटाना नहीं है, बल्कि तुम्हें इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्मेशन लानी है,
यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, मतलब कि इन इंस्टीट्यूशंस को सबके लिए जो है वो सही साबित करना है, सभी के लिए ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो इक्वली काम करें, या फिर इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म आए, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो सब देशों के लिए एक समान हों, सब देशों का उससे भला हो। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। इसी तरह से हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में दो डिबेट्स डिस्कस की। पहला हमने इसके अंदर बात किया जगदीश भगवती का, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट किया। वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जिसके तहत वो कहते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन गरीब देशों के लिए भी वरदान साबित हुई है, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉवर्टी खत्म हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, जब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू फ्री ट्रेड हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, हर कोई देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से लोन तुम्हें मिल रहे हैं जिससे तुम इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स दे के जगदीश भगवती ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे दुनिया के लिए सही साबित हुई है, इसी तरह से वो ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ इस चीज़ की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन देशों के लिए वरदान साबित नहीं हुई है, गरीब देशों को ख़त्म कर दिया है ग्लोबलाइजेशन ने, जो अभी देश अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में है या डेवलपिंग सिचुएशन में है उन देशों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अमीर देशों के द्वारा, इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, IMF के द्वारा, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसीज़ रख देते हैं इन देशों के सामने जो इन देशों को माननी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली इन देशों को लोन चाहिए, यहाँ पे पैसे ख़त्म हो गए हैं, और जब इनको लोन चाहिए तो ये ऐसी पॉलिसीज़ रखते हैं जिसके तहत ये यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज़ लगाते हैं, जहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इन्वायरमेंट को ख़राब कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये जो गरीब देश हैं जिन्होंने लोन लिया होता है वो लोन चुका भी नहीं पाते हैं, उसके बाद और बुरे तरीके से शिकंजा डाल देते हैं इन देशों के ऊपर, अमीर देश गरीब देशों के ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जिससे इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो कहते हैं कि इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मोर ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, इन इंस्टीट्यूशंस को जो है सभी देशों का ख्याल रखना चाहिए, सभी देशों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, इसलिए इसके अंदर रिफॉर्म होना जरूरी है। तो ये हमने दो डिबेट्स यहाँ पे कवर कर ली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबको धन्यवाद।